हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद मम्मी। तो आज बनेंगे पनीर पॉकेट। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, बाद में इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हींग और 2 बड़े चम्मच लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसको हम अच्छे से सौते करेंगे। बाद में हम इसमें जो वेजिटेबल आते हैं वो डालेंगे। मैंने यहाँ पर वेजिटेबल में 2 कप बारीक कटा हुआ आलू, 2 कप फूलगोभी बारीक कटी हुई और 1/2 कप ककड़ी ली है मैंने बारीक कटी हुई। इसको हम तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। बाद में हम डालेंगे 1 कप चॉप ऑनियन, 1/2 कप कैप्सिकम और 1 कप कैबेज। बाद में हम डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ गाजर। सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, अपने स्वाद के हिसाब से डालना है, और 1/2 बड़ा चम्मच हम डालेंगे मरीका पाउडर। बाद में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में इस पैन को जो है वो मिक्स करने के बाद इसको हम ढक लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक लेंगे। बाद में इसमें डाल देंगे 500 ग्राम बारीक कटा हुआ पनीर। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है। इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम लेंगे सैंडविच ब्रेड, इसकी जो साइड्स होती है वो मैंने निकाल ली है। बाद में इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाद में हमने जो ये फिलिंग बनाया था वो हम डाल देंगे। इस तरह से 2 चम्मच डालेंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे 2 छोटे छोटे चीज के टुकड़े। बाद में जो मैदा आता है उसकी मैंने पानी के साथ स्लरी बना ली है। इसको हम एक साइड लगा लेंगे और दूसरी साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम इसको इससे चिपका देंगे। बाद में तवा लेंगे, उसके ऊपर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। इस तरह से अच्छे से इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा गर्म होने के बाद हमने जो ये पनीर पॉकेट बनाए थे वो इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ी देर बाद रखने के बाद एक साइड से पक जाएगा और दूसरी साइड हम इसको पका लेंगे। इस तरह से ऊपर से जो हम थोड़े थोड़े दबाते रहना है। तो अब हमारे जो पॉकेट है वो लाइटली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसको प्लेट में निकाल देंगे, खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।